और इसमें तो सदस्यता रद्द होना ही है, हर हाल में होना है। काम भी नहीं हो रहा, काम भी बाधित हो रहा है। इसी बीच तो जनता का दबाव है कि आप जल्द से जल्द ये सब जो कार्रवाई चल रहा है वो पूरा हो। साबित हम लोग कागजात दे दिए हैं कि आपराधिक चरित्र वाले व्यक्ति हैं, उनके पर जो क्रिमिनल केसेज है उसको एनेक्स करके कोर्ट में दाखिल कर दिया है और कोर्ट भी उसको ऑब्जर्व किए हैं ऑनरेबल कोर्ट अपने आदेश में। तो हम लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं और डेट पे डेट पड़ रहा है, वो नहीं आ रहे हैं। अगर उनको लग रहा है कि हम गलत नहीं है तो आके जवाब देना चाहिए। पटना नगर निगम के वार्ड 44 के पार्षद सत्येंद्र यादव के खिलाफ माला सिन्हा कोर्ट पहुंच गई और कोर्ट में आज सुनवाई भी हुई है। माला सिन्हा का आरोप है कि सत्येंद्र यादव ने गलत हलफनामा दिया था, जिसको लेकर कोर्ट ने सत्येंद्र यादव को पेश होने के लिए कहा है। साथ में माला सिन्हा ने कहा है कि अगर वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने सब कुछ सही किया है, तो आखिर क्यों कोर्ट के सामने नहीं आते हैं। आप पूरा बयान सुनिए, वकील समेत माला सिन्हा ने क्या कुछ कहा है। ऑन बिहाफ ऑफ माला सिन्हा एक इलेक्शन केस फाइल किया गया 1 of 23। ग्राउंड था कि जो उसमें कंटेस्ट किए वो गलत नॉमिनेशन देकर कंटेस्ट करके समहाउ और द अदर ही हैज मैनेज टू विन द इलेक्शन वार्ड काउंसिलर का। वी हैव चैलेंज कि नहीं, उनका जो नॉमिनेशन पेपर था उसमें तथ्यों को छुपा दिया गया और उन पर आपराधिक चरित्र के व्यक्ति थे, उन सब बात को छुपा कर लिख दिया गया कि आई हैव गॉट नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट। उसी बात को लेकर मेनली हम लोग चैलेंज किए। अभी फिर इस मामले को लेकर ऑनरेबल कोर्ट में भी हम लोग फाइल किए, वहाँ से यह ऑब्जर्वेशन हुआ कि ए मैन हु हैज कंसील्ड समथिंग इन नॉमिनेशन पेपर, ही मस्ट बी पेनलाइज्ड। एडजुडिकेशन का आदेश हुआ है कि विद इन ए ईयर इसका डिस्पोजल हो जाए एक्सपीडिशियसली, और उसी के अनुकूल अभी वो समय ले रहे हैं। आज भी डेट था, बट ओनली टाइम दे आर टेकिंग टाइम आफ्टर टाइम। अब ऐसा है, हम लोग वेट कर रहे हैं जब जवाब दें तो इसका सुनवाई जल्द होगा, जैसा कि ऑनरेबल कोर्ट फिक्स कर दिए हैं टाइम कि विद इन ए ईयर इट शुड बी डिस्पोज ऑफ। यानी उनकी सदस्यता चली जाएगी। अब तो न्यायालय पर डिपेंड करता है, जब तथ्य पाया जाएगा उनके विरुद्ध तो जाना चाहिए, ऐसा हम लोग को लगता है। अगली सुनवाई अभी तिथि निर्धारित नहीं हुई, लेकिन जल्दी ही विद इन 29th of this month। आज क्या हुआ सर? आज यही हुआ, दे हैव प्रेड फॉर टाइम अगेन लाइक प्रीवियस, तो फिर उनको टाइम मिला है। हाँ, जांच का आदेश नहीं, उनको जवाब पहले देना है, जवाब देना है। जवाब दे देंगे तो गवाही हो जाएगी। कौन से वार्ड का मामला है सर? ये 44 वार्ड नंबर 44 जी। बिल्कुल भरोसा है, न्यायालय पर तो ही आस्था है, तब तो किया जा रहा है। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, वी हैव फुल फेथ अपॉन द लॉ एंड कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक सवाल ये है सर कि क्या ये साबित हो गया है कि उन्होंने अपने नामांकन में जो उन पर आपराधिक मुकदमे थे उन्होंने छुपाया? तो साबित हम लोग कागजात दे दिए हैं। हाँ। कि आपराधिक चरित्र वाले व्यक्ति हैं, उनके पर जो क्रिमिनल केसेज है उसको एनेक्स करके कोर्ट में दाखिल कर दिया है और कोर्ट भी उसको ऑब्जर्व किए हैं ऑनरेबल कोर्ट अपने आदेश में कि हाँ दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जो शो करता है कि द पर्सन हैज कमिटेड रॉन्ग, वो सब आ गया है। परिचय दे दे अपना थोड़ा। जी मैं नवीन कुमार हूँ, मैं अधिवक्ता हूँ, सिविल केसेज करता हूँ। चुनाव के बाद आप जो है एक तरह से अच्छा मैसेज आया है हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट की तरफ से, क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इंसाफ हो और न्यायालय पे विश्वास है कि इंसाफ मिलेगा, और जनता का दबाव है, जनता त्रस्त है, काम भी नहीं हो रहा, काम भी बाधित हो रहा है। इसी बीच तो जनता का दबाव है कि आप जल्द से जल्द ये सब जो कार्रवाई चल रहा है वो पूरा हो, और वो जो छुपाए थे तथ्य तो वो कोर्ट को भी पता है, वकील साहब को भी पता है, और अब सब लोग जान चुके हैं कि वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, और इसमें तो सदस्यता रद्द होना ही है, हर हाल में होना है, जैसे कि वकील साहब आप बताए। शीघ्र तो निर्णय हो जाए, वो निर्णय का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और सदस्यता रद्द होगा और फिर से वार्ड में चुनाव होगा, तो हम लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं और डेट पे डेट पड़ रहा है,
वो नहीं आ रहे हैं। अगर उनको लग रहा है कि हम गलत नहीं हैं तो आके जवाब देना चाहिए, सबके सामने कोर्ट में आकर के उनको जवाब देना चाहिए कि हाँ ये गलत माला सिन्हा बोल रही है। तो वो आ नहीं रहे, डेट पे डेट बढ़ रहा है। बस न्यायालय से यही कहना है कि आपने इसका पिटीशन दिया, दायर किया था कोर्ट में, इस मामले को कब दायर किया था आपने? 30 जनवरी को। अभी तो जनवरी में ही हम लोग किए थे, जनवरी के बाद फरवरी में किए थे। फरवरी में तो अभी जनवरी में तो रिजल्ट ही आया। क्या उम्मीद लग रही है कोर्ट से, कितना न्यायालय पे क्या उम्मीद लग रही है? न्यायालय पे विश्वास है कि हाँ इंसाफ मिलेगा ही, और गलत है तो गलत का तो परिणाम गलत ही आएगा। तो कागजात अभिलेख पर है, कागजात शो करता है कि तथ्यों को छुपाया गया है, कागजात का अवलोकन होगा तो हम लोग को विश्वास है कि हम लोग के पक्ष में होना चाहिए। चलिए ठीक है, हाईकोर्ट का भी यही है कि तथ्य को छुपाया गया है, ये अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तो सदस्यता रद्द होनी चाहिए। अब आगे यहाँ सिविल कोर्ट में जो कार्रवाई है वो होगा। ठीक, इसी के लिए कि अर्ली डिस्पोजल हो, इसी को लेके कि इसका टाइम नहीं लगे, जल्द से जल्द इसमें मामला में फैसला आ जाए। तथ्यों के आधार पर ये कर दिया कि हाँ कर दिया कि विधि ने, ये इट मस्ट बी डिस्पोज ऑफ विद दिस ऑब्जर्वेशन, हाईकोर्ट डिस्पोज ऑफ द केस।